कटिहार में मालगाड़ी का इंजन पटरी से उतर गया, जिससे रेलवे प्रशासन में सनसनी फैल गई। आनन फानन में आरपीएफ पुलिस और रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंचे और वहां के हालात का जायजा लिया। कई घंटों की मेहनत के बाद रेलवे कर्मियों ने पटरी को दुरुस्त किया और फिर ट्रेनों का आवागमन खोला गया। बताया जा रहा है कि मालगाड़ी मालदेह से कटिहार आ रही थी, तभी कटिहार रेलखंड के 16 और 17 नंबर रेलखंड लाइन खिसकने के कारण मालगाड़ी का इंजन पटरी से उतर गया। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि सुबह से रेल की पटरी पर काम हो रहा था और ट्रैक्टर को पटरी पर बार बार पास करवाया जा रहा था, जिससे पटरी खिसक गई। हमने देखा कि तीन बार आज ट्रैक पर काम चला, बालू देकर के लाइन को बोरा देकर के ट्रैक्टर को पास कर दिया गया। 50 लोड ट्रैक्टर पास होने के बाद ट्रैक साथ हिल गया होगा चाहे, और इसी के कारण रेल दुर्घटना हो गई। क्या हुई? यही हुआ कि आगे का चार चक्का ट्रैक से नीचे गिर गया इंजन का, और इससे ट्रेन दुर्घटना हो गई, जिससे ट्रेन लाइन बाधित हो गई है, 16 नंबर लाइन संतोषी चौक। वह इस मामले पर रेलवे अधिकारी बोलने से बच रहे हैं। कैसे, क्या घटना घटी सर? रेलवे की लापरवाही से इससे पहले भी हाजिरपुर में एक बड़ा रेल हादसा हो चुका है। गलीमत रही कि ये मालगाड़ी थी, अगर सवारी गाड़ी होती तो एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। बहरहाल रेलवे प्रशासन इसकी जांच कर दुर्घटना की वजह पता लगाने में जुट गया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कटिहार के रितेश रंजन की रिपोर्ट।